वेलकम दोस्तों, वेलकम टू प्रायश्री एजु होम स्कूलिंग। प्रायश्री एजु होम स्कूलिंग में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हम देख रहे थे क्लासिफिकेशन इंटेलिजेंस टेस्ट में सेकेंड यूनिट जो है वो है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में हम लोग तीसरा सब टॉपिक देख रहे हैं जिसका नाम है नंबर्स। तो हम देखेंगे कि नंबर्स क्या होता है, क्लासिफिकेशन में नंबर्स के क्लासिफिकेशन कैसे होते हैं। लेकिन उसके पहले दोस्तों, अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरा ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि जो भी बच्चे हैं जो स्टैंडर्ड फिफ्थ के स्कॉलरशिप एग्जाम के लिए बैठे हैं, उन सभी बच्चों को हमारे इस वीडियो का फ़ायदा हो सके। तो चलो दोस्तों, देखते हैं नंबर्स। पहले तो नंबर्स का क्लासिफिकेशन कैसे होता है, किस प्रकार के नंबर्स यहाँ पे आएंगे वो हम देखेंगे। पहला है द नंबर्स अंडर दिस सब टॉपिक इंक्लूड फोर नंबर्स। नंबर्स ये सब टॉपिक में हमें चार ऑप्शन दिए होंगे, चार नंबर्स दिए गए होंगे, आउट ऑफ विच थ्री नंबर्स आर सिमिलर एंड फॉर्म अ ग्रुप। इनमें से जो तीन नंबर होंगे वो सिमिलर होंगे और उनका एक अलग से ग्रुप बन जाएगा। द फोर नंबर डज नॉट मैच इन द ग्रुप। जो चौथा या फिर ऑड वन जो नंबर होगा वो इन ग्रुप में मैच नहीं होगा। थ्री नंबर्स आर सिमिलर ऑन द बेसिस ऑफ देयर फीचर्स सच एज सम ऑफ इट्स डिजिट ऑड इवन प्राइम कंपोजिट डिविजिबिलिटी बाय सर्टन नंबर्स मल्टीपल्स स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स ऑफ अ नंबर क्यूब एंड क्यूब रूट्स एडिशन सब्ट्रैक्शन एक्सेट्रा। तो इनमें जो तीन नंबर्स होंगे वो कौन से बेसिस के ऊपर होंगे, तो उनका बेसिस ये रहेगा कि उनमें ऑड इवन नंबर होंगे, प्राइम या कंपोजिट नंबर होंगे, या फिर डिविजिबिलिटी बाय सर्टन नंबर, मतलब एक स्पेसिफिक नंबर से सबका डिवीजन, तीन नंबर का डिवीजन होता होगा, या फिर स्क्वायर और स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर होगा, या फिर क्यूब और क्यूब रूट ऑफ द नंबर होगा, या फिर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है। तो ये हमें देखना होगा कि वो नंबर्स क्या है। हमें यहाँ पे अपना लॉजिक लगाना है दोस्तों। आपको लॉजिक लगा के जो नंबर्स आने वाले हैं वो नंबर्स का हमें जो ऑड वन आउट आएगा उनमें से वो हमें फाइंड आउट करना है। दिस सिमिलैरिटी कॉजेज द फॉर्मेशन ऑफ अ ग्रुप ऑफ थ्री नंबर्स। ये सिमिलैरिटी देखकर जो नंबर्स रहेंगे उनमें वो तीन नंबर्स एक ग्रुप फॉर्म करेंगे, ठीक है। वन हैज टू रिमेंबर द टेबल्स फ्रॉम 1 to 20, स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 20, क्यूब्स ऑफ नंबर फ्रॉम 1 to 10 एंड प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 100, ठीक है। ये हमें जो नंबर्स है क्लासिफिकेशन में जो नंबर्स है वो सॉल्व करने के लिए हमें क्या याद रखना चाहिए, तो हमें टेबल्स 1 to 20 तक जो टेबल्स है वो हमें याद रखने चाहिए। स्क्वायर नंबर्स हमें 1 to 20 तक जितने स्क्वायर नंबर्स हैं वो हमें याद रखने चाहिए। क्यूब नंबर्स हमें 1 to 10 जितने क्यूब नंबर्स हैं वो हमें याद करने चाहिए। और जो प्राइम नंबर्स हैं 1 to 100 तक जितने प्राइम नंबर्स हैं वो हमें याद रखने चाहिए। तो दोस्तों, बड़ा ही आसान सा है। देखिए, आपके स्क्रीन के ऊपर मैं कुछ आपको एग्जांपल सॉल्व करके दिखाऊंगी, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि जो नंबर्स हैं वो कैसे क्लासिफाई करते हैं और कैसे उनके जवाब देते हैं। बाद में मैं आपको सॉल्विंग के तौर पर कुछ क्वेश्चंस दूंगी, तो आप मुझे उनके सवाल मुझे कमेंट्स के माध्यम से भेजो, मैं आपको उनके ऊपर रिप्लाई दूंगी और आपको बताऊंगी कि आपका जवाब सही है या नहीं है। तो चलो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ गया है, फाइंड आउट द ऑड टर्म। इसमें ऑड टर्म हमें फाइंड आउट करना है। पहला नंबर है 74, दूसरा है 86, तीसरा है 62 और फोर्थ है 57। तो दोस्तों, पहले तो हमें ये देखना है कि 74, 86, 62, 57
हमें हर प्रकार का लॉजिक यहाँ पे लगाना होगा। हो सकता है ये किसी का मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है, या फिर ऑड इवन नंबर हो सकता है। तो आओ देखते हैं एग्जैक्टली ये ऑड इवन नंबर है, इसमें 74, 86 और 62 जो है वो इवन नंबर्स है, ओनली 57 जो है वो है ऑड नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ऑप्शन नंबर 4 मिल गया है जो कि 57 इज द ऑड नंबर। ठीक है, चलो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ गया है, देखो यहाँ पे भी कुछ आपको नंबर्स दिए हुए हैं जो कि 60, 24, 56 और 48, सही है। तो इसमें अभी क्या दिया हुआ है, इसमें कुछ नंबर्स हैं, जो नंबर्स हमें फाइंड आउट करना है कि इसमें कौन सा एक तीन नंबर का ग्रुप बनता है और कौन सा ऑड वन है। तो यहाँ पे देख के हमें पता चलता है कि 60, 24, 56, 48 एग्जैक्टली जो 60 है, 24 और 48 डिविजिबल बाय 12, और जो 56 है ये नंबर 12 के टेबल में नहीं आता है, तो इनका बन गया एक ग्रुप, बराबर है, और 56 इसमें ऑड वन आउट है। तो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, 56। ठीक है, चलो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ गया है, इसमें भी कुछ नंबर्स आपको दिए हुए हैं, नंबर्स आप देखो ध्यान से और यहाँ पे अपना लॉजिक लगाओ। नंबर्स क्या है, 59, 48, 45 और 66। ठीक है, तो इसमें 59 नहीं है, इट्स 39, 48, 45 और 66। तो चलो देखते हैं इसमें क्या हम लॉजिक लगा सकते हैं। 39, 48, 45, 66 ये किसी एक ही टेबल में नहीं आ रहे हैं, तो इनका एडिशन भी नहीं हो सकता है। चलो एक हम देखते हैं, 3 प्लस 9, 4 प्लस 8, 4 प्लस 5 और 6 प्लस 6। हो सकता है हमें हमारा आंसर मिल जाए, 3 प्लस 9 12, बराबर है, 4 प्लस 8 12, 4 प्लस 5 9 और 6 प्लस 6 12। आंसर आपके सामने है, देख लो हमने दो नंबर्स के एडिशन किए हुए हैं, जहां पे हमें सेम फिगर तीन ग्रुप जैसे फॉर्म करते हैं, उसमें तीन नंबर्स जो है उनके एडिशन हमें सेम मिल रहा है, बस एक नंबर का एडिशन हमें अलग मिल रहा है। मतलब यहाँ पे ऑड वन कौन है, तो नंबर 45 इज द ऑड वन, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, मिल गए आपको। ऐसे ही कुछ सवाल आपको आएंगे दोस्तों, आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको अपना लॉजिक लगाना है। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ गया है, जो कि नंबर है 13, 23, 33 और 43, बराबर है। इसमें अभी हमें लॉजिक क्या लगाना है, जैसे कि हमने एक्सप्लेनेशन में देखा कि हमें क्या क्या नंबर्स याद करने चाहिए, जैसे कि टेबल्स है या फिर स्क्वायर रूट है या फिर और क्यूब रूट्स है, प्राइम नंबर्स है। तो हम देखते हैं यहाँ पे प्राइम नंबर्स है क्या, यस एग्जैक्टली 13, 23, 43 ये है प्राइम नंबर्स, ओनली 33 इज नॉट अ प्राइम नंबर। मतलब नंबर 33 प्राइम नंबर नहीं है। तो यहाँ पे ये तीन नंबर का ग्रुप फॉर्म होता है,
बस उनमें से ऑड वन है जो 33 नंबर है. तो यहाँ पे हमें आंसर मिल गया, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर. चलो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया है. ध्यान से पढ़ना, ध्यान से देखना और फिर अपना लॉजिक लगाना. यहाँ पे नंबर क्या है, 658, 497, आगे है 366, ओके, बाद में है 255. ठीक है, हमने एक्सप्लेनेशन में जैसे देखा कि हमें क्या क्या नंबर्स याद करने चाहिए, उन नंबर्स को हम ध्यान में रखते हुए यहाँ पे अभी 3 डिजिट के नंबर्स है तो हमें स्क्वायर रूट निकालना चाहिए. तो हो सकता है इनमें से ये जो नंबर है ये स्क्वायर रूट हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ कोई स्क्वायर रूट नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं अलग से एक लॉजिक लगाती हूँ. जैसे कि 658 है, 497, 366 और 255. जो 5 है, जो 25 है, ये है 5 का स्क्वायर रूट. 36 ये जो नंबर है वो है 6 का स्क्वायर रूट. 49 वो है 7 का स्क्वायर रूट. 65 8 का स्क्वायर रूट है, नहीं. तो हमें हमारा आंसर मिल गया, जो 8 है वो उसका स्क्वायर रूट 65 नहीं है. तो ऑड वन कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर 1 इज द ऑड वन आउट. तो दोस्तों ये थे कुछ सवाल, जो कुछ एग्जांपल्स थे, आपको समझ में आ जाएंगे कि कैसे किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके लिए होते हैं. आप इन सब एग्जांपल्स को ध्यान से देखो और जैसे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस आपको दे रही हूँ आप वो सॉल्व करो और उनके आंसर्स मुझे कमेंट्स के द्वारा भेजो. फिर मैं आपको उनके आप रिप्लाई दूंगी आपके कमेंट्स के ऊपर कि आपके जो आंसर्स है वो सही है या गलत है. ठीक है, मेरा ये वीडियो देखने के लिए, सुनने के लिए धन्यवाद.